बिलासपुर जिले के दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने जहां ओहर पंचायत का दौरा कर करोड़ों रुपए की सौगात दी है, जिसमें उन्होंने 15 लाख के बजट से तैयार होने वाले जिला के पहले गजेबो पार्क का शिलान्यास किया, तो साथ ही 91 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ओहर की साइंस लैब का उद्घाटन किया। 15 लाख रुपए से निर्मित होने वाले पंचायत घर भवन का उद्घाटन व ओहर पंचायत ने ही 4 लाख रुपए से निर्मित महिला मंडल भवन का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि गोविंद सागर झील के किनारे चंडीगढ़ की तर्ज पर 15 लाख के बजट से बनने वाले गजेबो पार्क में पर्यटकों के घूमने के लिए सुंदर स्थल, बच्चों के लिए झूले और वॉलीबॉल व बैडमिंटन कोर्ट की सुविधा रहेगी। वहीं अपने दौरे के दौरान कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने सीएम जयराम ठाकुर द्वारा हर गांव का विकास करने की बात कहते हुए 2.5 सालों का सफल कार्यकाल होने की बात कही है। आज यहाँ और क्षेत्र में हमारे जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसके साइंस लैब का उद्घाटन किया गया, जो 81 लाख रुपए से बनकर तैयार हुई है, जिसके कारण हमारे यहाँ के जो साइंस के विद्यार्थी हैं, स्कूल में पढ़ने वाले, उनको आधुनिक सुविधाएं जो हैं इन लैब्स इस लैब्स के माध्यम लैब के माध्यम से मिलेगी। और इसके साथ ही हमने यहाँ 2 कमरों का जो प्राइमरी स्कूल है, इसके 2 कमरों का शिलान्यास भी किया, ताकि यहाँ के बच्चों को अच्छी बैठने की व्यवस्था मिले और ठीक से अपने अच्छे वातावरण में पढ़ाई कर सकें। और इसके साथ ही आज यहाँ एक महिला मंडल का भी उद्घाटन किया, जो 4 लाख रुपए से निर्मित हुआ। और इसके पूर्व एक मनोरंजन पार्क का भी शिलान्यास किया, जिसमें लगभग 15 लाख रुपए खर्च होंगे। और हम ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा विकास हो, ऐसी हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का जो प्रयास है, उसके अनुसार